साथियों, जब हम लोग इस कार्यक्रम के बारे में सोच रहे थे, हिमलता जी और मैं, अमर जिंदाल और रवि भाई जी, क्योंकि सिर्फ ये जो आज की बैठक है इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, मैं थोड़ा सा उस पर, वो जो सफाई कर्मचारी और गटर में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, अक्सर गटर में काम करने वाले या सफाई का काम करने वाले लोगों की कई बार पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा भी होगा, अखबारों में आया, टीवी पे भी आया, रहते आम है। अभी सरकार ने कुछ 10 लाख रुपए की बात की है, हमने मांग की थी कि 1 करोड़ का होना चाहिए, तो किसी ने हमें बोला 1 करोड़, मैंने कहा जी आप बन जाओ, हम आपको दे देंगे चंदा करके, तो क्योंकि गरीब मरता है तो 1 करोड़ ज्यादा है और 10 लाख रुपए की बात है। क्वेश्चन ये है कि इंश्योरेंस होना चाहिए, दूसरा कितनी बीमारी जो लोग काम करते हैं, जो कूड़ा उठाने में जो बीमारियां होती है उससे कितने लोगों की, क्योंकि सफाई कर्मचारी रिटायरमेंट भी पूरा नहीं करता है, तो अगर रिटायरमेंट पूरा नहीं करता तो पेंशन भी उसी हिसाब से नहीं मिलेगी लोगों को, तो इसलिए ये मुद्दे जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं वो अलग हैं। दूसरा जो अभी एक साथी हमसे पहले बोल रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से 90 के दशक के बाद रिजर्वेशन की वजह से जो समाज, क्योंकि अगर साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब नहीं अपनी बात रखते तो शायद जो कुछ गणमान्य दलित समाज से लोग आते हैं वो नहीं होते। लोग सरकारों की तरफ से अक्सर यह आता है कि बाबा साहब ने संविधान को लिखा, लेकिन संविधान लिखने में जो उन्होंने डाला उसका रूपरेखा 1928 में जब बॉम्बे में साइमन कमीशन आया, उसके बाद पूना पैक्ट, बॉम्बे सम्मेलन में और इंडिया एक्ट में जो चीजें थी वही एक्टिड संविधान में डाली गई है, क्योंकि बॉम्बे सम्मेलन में डबल वोटिंग की बात हो, जिससे पूना पैक्ट हुआ उसमें रिजर्वेशन की बात आई, 1990 में जिस तरीके से सरकार ने रिजर्वेशन को खत्म करने की, प्राइवेटाइजेशन करने की प्रक्रिया शुरू की, तो उससे और खासतौर से सफाई के कामों में जितने भी लोग लगे हुए हैं उसमें एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये काम छोड़ने की बात है, दूसरा काम करने की भी बात है, लेकिन एक सिक्योर जॉब था उस पर भी, क्योंकि आज भी जो लोग इस काम को करते हैं वो हाउसकीपिंग बोल करके दलित समाज के लोग भी उस काम को करते हैं, जबकि वहां से उनको 3,000 और यहाँ 6,000, 5,000 और कुछ लोगों ने बताया 4,000 रुपए भी मिलते हैं। तो इसलिए क्यों ये सब हो रहा है, क्योंकि सरकार की नीति में गड़बड़ हो गया है, उस गड़बड़ की वजह से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। जल बोर्ड में जिस तरीके से ठेकेदारों का हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा तो उसमें ये पाया कि उसका फाइनेंशियल अकाउंट ठीक होना चाहिए, वो लेबर लॉ पूरा करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कितने लोगों को किस ठेकेदार के अंदर में मारे गए हैं, किसको चोट लगी है, किसको बीमारी हुई है, इसके बारे में कहीं उसके जो जल बोर्ड का मेमोरेंडम है उसमें कहीं लिखा नहीं है। अगर वो बात ही नहीं करेंगे तो किसी का सेफ्टी की बात कैसे आएगी, किसी की डेथ हो जाएगी उसकी कंपनसेशन की बात कैसे आ जाएगी। गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो इंटरिम रिलीफ है, कंपनसेशन का पैसा लेबर डिपार्टमेंट से मिलेगा, उसका अलग से भी किसी को क्लेम लगाना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट दे रही है वो गवर्नमेंट का, क्योंकि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका कंपनसेशन देगा जो बीमारी आई है या डेथ हुई है या चोटें लगी हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और सरकार जो 10 लाख रुपये दे रही है ये कंपनसेशन नहीं है, ये सरकार की तरफ से रिलीफ है, तो उन बातों पर भी चर्चा मेरे ख्याल से आज हमें इस मुद्दे पर करनी चाहिए। जो हमारे साथी रवि शंकर जी और नीता उज्जैनवाल पिछले काफ़ी संघर्षों के बाद आयोग में गए हैं और आयोग में जाकर भी जो इन्होंने एक नई दिशा दी है, क्योंकि आयोग में बहुत, मतलब आयोग अच्छे से चल रहा था, लेकिन जो उसका सिस्टम होना चाहिए, देखिए
महिला आयोग भी चलता है, बाल आयोग भी चल रहा है, उसका भी एक सिस्टम है। वहां कोई सिस्टम नहीं था, तो इन लोगों ने जाकर के वहां एक सिस्टम बनाया है, एक रूपरेखा बनाई है जो आयोग का 2006 का एक्ट है। उसके अनुसार जब ये बात जाके रखी गई तो कुछ आलोचना विवेचना की बात हुई, लेकिन ये दोनों लोग उसमें कामयाब रहे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की समस्याएं सफाई कर्मचारी और गठन में काम करने वाले लोगों की हैं, आयोग में जो दो हमारे साथी लोग आए हैं उस अपेक्षा पर खड़े उतरेंगे और खड़े ही नहीं अगर ये लोग उस काम को नहीं करते। मुझे लगता है हमें इनसे लगातार क्वेश्चन भी करना चाहिए और हम लोगों को जो आयोग है उसको एक तरीके से वाच डॉग के तरीके से देखता रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि इनके ऊपर नियम छोड़ दें, हमें भी लगातार इनको भी इनपुट देना चाहिए, आयोग को भी देना चाहिए और एक सहयोग के तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मैं इन दोनों का स्वागत करता हूँ, प्लस हेमलता जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वो अमिताभ जयमाला जी का बुके लेकर के स्वागत करें। हेमलता जी,